वचन दिया हुआ है, दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ए बी दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यदि और बी संपर्क बिंदु है और एंगल पी ए बी 65 डिग्री है तो एंगल ए बी पी क्या है। देखिए दो सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, दो सर्कल क्या है एक्सटर्नली कट करते हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या आ गया पी, ठीक है। दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या है, दोनों कॉमन टेंजेंट है ए बी, ये रहा, ठीक है, जिसमें ए और बी क्या है संपर्क बिंदु है, यानी ये पॉइंट ए है ये बी है, ठीक है। और एंगल क्या दिया हुआ है पी ए बी, यानी पी और ए को मैं मिलाऊंगा, पी ए बी यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना है, ये एंगल है 65 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा है एंगल ए बी पी निकालिए, यानी ए बी पी हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो आप देखिए हमेशा याद रखिए कि जब दो सर्कल एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे टच करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी पॉइंट पे टच कर रहे हैं और एक कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, एक उभयनिष्ठ जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, तो उनके दोनों जो संपर्क बिंदु से बिंदु को अगर हम जो एक्सटर्नल पॉइंट था संपर्क पॉइंट था उससे मिलाएंगे तो वहां पे जो एंगल बनेगा यानी एंगल जो बनेगा पी पॉइंट को कितना रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। और एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, पी एंगल कितने का है 90 का, तो बाकी के दो एंगल भी कितने के होंगे 90 के, यानी एंगल ए एंगल बी और एंगल पी कितना होगा 180, ठीक है, ये पी कितने का है 90 का है, ठीक है, तो बचे हुए दो कोण जो है उनका जोड़ भी 90 होगा, ए 65 का है तो बी कितने का आएगा 90 - 65 यानी 25 डिग्री, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फोर्थ था वो सही आंसर है।